फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व किया था, बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मास इन अ मल्टीपल प्लेन। इस बार भी हम एक और एग्जांपल लेने वाले हैं ग्राफिकल मेथड का, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ए बी सी एंड डी आर फोर मासेस कैरिड बाय रोटेटिंग शाफ्ट एट रेडियाई ऑफ 0.1 मीटर, 0.15, 0.15 एंड 0.2। यानी कि यहाँ पे रेडियस ए, रेडियस बी, रेडियस सी एंड रेडियस डी दिया हुआ है। उसके बाद आगे देखें तो द प्लेन विच मासिस रोटेट आर स्पेस्ड एट 500 mm अपार्ट। यानी कि जितने भी प्लेन है यहाँ पे ए बी सी एंड डी, वो सब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर है। ठीक है, यहाँ पे 0.5 मीटर यहाँ पे एक दूसरे से दूर है। ठीक है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मास बी सी डी आर 9 kg, 5 kg एंड 4 kg। मतलब कि यहाँ पे मास बी, मास सी एंड मास डी 9, 5 एंड 4 kg यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एम ए मतलब मास ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मास ऑफ ए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड द रिक्वायर्ड मास ए एंड रिलेटिव एंगुलर सेटिंग ऑफ फोर मासिस, चारों एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4, चारों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली सो दैट द शाफ्ट कैन बी इन अ कंप्लीट बैलेंस। तो हमें यहाँ पे बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, एक तो मास फाइंड आउट करना है और चारों एंगल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे चारों एंगल में से जो यहाँ पे थीटा 2 को एज अ रेफरेंस हम कंसिडर करेंगे, कि जो थीटा 2 है, ठीक है, यहाँ पे जो बी प्लेन है उसका जो एंगल है वो जीरो कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे हमें थीटा सी, थीटा डी एंड थीटा ए को हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा क्यों किया वो आप जब टेबल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कि अभी आप ये समझ लो कि ये फिगर क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है वो ऑलरेडी हमने गिवन डेटा में बता दिया है। अब हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड के लिए सबसे पहले जो हमें करना है वो है टेबल। तो टेबल में हम प्लेन जो है, चारों प्लेन यहाँ पे दिए हुए हैं, देन मास, रेडियस एंड थीटा। ठीक है, तो मास यहाँ पे ए हमें फाइंड आउट करना है, बाकी तीन के मास दिए हुए हैं, चारों की रेडियस यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, चारों की रेडियस दे दी है और चारों के एंगल हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें से हमने बी को एज अ 0 degree हमने कंसिडर किया है। ठीक है, और हमारा रेफरेंस प्लेन जो है वो हम ए को कंसिडर करेंगे। अब जब रेफरेंस प्लेन ए को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमें मिलेगा एम ए की वैल्यू, और यहाँ पे रेडियस यानी कि 0.10 mA। फिर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा एम ए, दैट इज 1.35 यानी कि 9 and 0.50 का मल्टीप्लीकेशन 1.35। उसके बाद 0.75 एंड 0.80 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये आपको यहाँ पे एम इंटू आर मिल जाएगा। ठीक है, एम इंटू आर। ओके, नाउ लेंथ जो है L हमें फाइंड आउट करनी है। तो L क्या है, L इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन। तो हमने A को रेफरेंस प्लेन यहाँ पे कंसिडर किया है, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। आप यहाँ पे फिर से देख लो, A को हमने रेफरेंस प्लेन कंसिडर किया तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, और ये B, C और D प्लेन जो है उसका डिस्टेंस हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे B जो है वो होगा 0.5। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन डेटा में दिया हुआ है 0.5 डिस्टेंस। सो यहाँ पे होगा 0.5, यहाँ पे होगा 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1, और यहाँ पे होगा 0.5 तीन का समेशन यानी कि 1.5। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा L। ओके, L कैसे मिला, यहाँ पे A को हमने रेफरेंस प्लेन कंसिडर किया और बाकी तीन जो है अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे लेंथ मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो है वो है कपल, एम आर एल। ठीक है, सो यहाँ पे एम आर एल अगर लेंगे तो यहाँ पे कपल हमें 0 मिलेगा, क्योंकि ये जो कपल है ये रेफरेंस प्लेन है A, इसीलिए रेफरेंस प्लेन से हम कपल लेते हैं तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब जो कपल यहाँ पे मिलेगा दैट इज एम आर यानी कि ये वैल्यू इन टू ये वैल्यू, तो हमें मिलेगा 0.675।
फिर यहाँ पे वैसे ही ये वैल्यू और ये तो 0.75 और यहाँ पे 0.80 इंटू 1.5 दैट इज़ 1.200। तो इस तरह से ये हमारा टेबल कंप्लीट होता है। टेबल में हमने क्या किया है, ए को एज अ रेफरेंस प्लेन लिया है और जब हम यहाँ पे फोर्स पॉलीगॉन और कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे तो हम जो है यहाँ पे 0° बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें ड्रॉ करना है फोर्स पॉलीगॉन एंड कपल पॉलीगॉन। तो उसके लिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब आप देखते हो और यहाँ पे कपल देखते हो तो आपको यहाँ पे एक अननोन दिखाई देता है और यहाँ पे अननोन नहीं है। सो हम पहले कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। तो कपल पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे ओडेस से स्टार्ट करना है। सो सपोज़ यहाँ पे मैं ओडेस से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे ये जीरो कंसीडर करता हूँ। ठीक है, बी को एज अ रेफरेंस कंसीडर करेंगे और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका मतलब है 0°। ठीक है, तो बी को हॉरिजॉन्टल लेते हैं और ये लाइन हमें कितनी लेनी है तो वो हमें यहाँ पे पता चलेगा स्केल के हिसाब से। ठीक है, तो स्केल कैसे लेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसके हिसाब से हम स्केल लेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0.675, 0.750, 1.2। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 0.5 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेंगे तो कुछ इनअप स्केल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू है, ठीक है, 0.675, तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर ड्रॉ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉइंट अगर 675 है तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, तो आपको कैसे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, तो 0.675 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.5 करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको यहाँ पे लेना है, उतना सेंटीमीटर यहाँ पे लेना है। ठीक है, और हम इस यहाँ पे लिखेंगे 0.675 केजी इंटू मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर आपको कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बताया, इस तरह से फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई और हमने यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया है। ओके, अब उसके बाद एंगल तो अब दिया नहीं है, सी और डी का एंगल दिया नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। सी और डी का एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ हमारे पास है 0.750, तो उसको स्केल से यहाँ पे स्केल में ले लो। तो 0.750 इंटू 2 बाय 0.5, तो आपको वो जो आंसर मिलता है यहाँ पे, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको क्या करना है, आर्क ले लेना है। अप्रोक्सीमेटली आप आर्क लोगे यहाँ पे, कितना आर्क, तो ये डिस्टेंस जितना आर्क जो हमने फाइंड किया 0.750 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.5। ओके, और ये किस तरह से लिया हमने, स्केल में कन्वर्ट किया है। तो एक्चुअली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक आर्क मिलेगा। ठीक है, इतना डिस्टेंस जितना आर्क लेना है। फिर उसके बाद ये जो लास्ट वैल्यू है 1.2, यानी कि यहाँ पे 1.2 अगर आप रखोगे इंटू 2 अपॉन 0.5 तो आपको एक लेंथ मिलेगी और वो लेंथ को आपको यहाँ से आर्क करना है। ठीक है, तो जब आर्क करोगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। अब ये पॉइंट मिल गया तो आप यहाँ से ज्वाइंट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके, तो ये जो आपको मिला, ठीक है, वो मिलेगा थीटा सी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा थीटा डी। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ कि थीटा सी जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है यहाँ पे, तो थीटा सी हमारा 66° है और थीटा डी जो है वो 214° है। क्यों ऐसा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हैं, यानी कि ये 66° होगा और यहाँ पे ये इस तरह से हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट होगा, तो अपोजिट होगा, तो हमें थीटा डी जो है वो इतना लेना पड़ेगा। ठीक है, ये करेक्शन आप देख लेना, थीटा डी जो है वो हमें कितना लेना पड़ेगा, ये एंगल होगा, तो ये एंगल जब हम मेज़र करेंगे तो वो मिलेगा 214°। ठीक है, सो 214° यहाँ पे आंसर आएगा थीटा डी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कपल पॉलीगॉन कंप्लीट किया। अब देखते हैं फोर्स पॉलीगॉन। तो फोर्स पॉलीगॉन के लिए यहाँ पे थोड़ी जगह चाहिए तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे फोर्स पॉलीगॉन स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स पॉलीगॉन में अब हमें यहाँ पे थीटा सी हमारे पास है, थीटा डी हमें मिल गया है और यहाँ पे जो बी है
वो हमने क्या किया है, एज अ रेफरेंस लिया है, ठीक है, थीटा बी एज अ रेफरेंस यानी कि हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थीटा बी जो है वो कितना है, तो हमें अब हमें यहाँ पे देखना है, तो थीटा बी जो है वो 1.35 केजी इंटू मीटर है। तो हमें स्केल लेना पड़ेगा, तो स्केल हम ले लेते हैं, तो 0.5 केजी इंटू मीटर इज इक्वल टू, हम लेते हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमने स्केल ले लिया, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 केजी इंटू मीटर। तो अब हमें यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास है 1.35, तो यहाँ पे अगर 1.35 केजी इंटू मीटर है तो हमें स्केल कितना लेना पड़ेगा, तो 1.35 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.5। तो हमारा ये जो पहला स्केल मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो लाइन अब हमें यहाँ पे लेनी है, ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेगा बी पॉइंट, ठीक है, ये जितना सेंटीमीटर आएगा वो अब हम यहाँ पे लेंगे, और ये जो हमारा पॉइंट रहेगा ओ एंड ए, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ए यहाँ पे ही आएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.35 केजी इंटू मीटर, और ये एक्चुअली 1.35 यहाँ पे स्केल के हिसाब से हमें लेना है। आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, आप अपने हिसाब से स्केल यहाँ पे ले सकते हो, ओके। तो ये क्लियर हो गया, बी जो था हमारा रेफरेंस। अब थीटा सी यानी कि 66 डिग्री पे हमें यहाँ पे लाइन लेनी है, ठीक है, यहाँ पे 66 डिग्री पे लाइन लेनी है, तो वो कितना है 0.75 केजी इंटू मीटर। तो उसको स्केल में कन्वर्ट करना है, आपको पता है कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 0.75 केजी इंटू मीटर यहाँ पे ले लिया, तो हमें ये मिलेगा। उसके बाद बिल्कुल यही एंगल पे, बिल्कुल यही एंगल पे हमें कितना लेना है लाइन, तो यहाँ पे 0.80 उसको हमको स्केल में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे 0.80 यानी कि 0.80 केजी इंटू मीटर ले लिया हमने। तो यहाँ पे मिला सी और यहाँ पे मिला डी। अब ये जो लास्ट लाइन जो है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये हमें मिलेगा ये डायरेक्शन में थीटा ए, और ये जो डायरेक्शन है इसका मतलब कि वो यहाँ पे अपोजिट आएगा, वो इसका रिजल्टेंट है, इसीलिए ये डायरेक्शन में आएगा। तो हमारा जो एंगल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि 180 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ, जो थीटा ए आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 194 डिग्री जितना आ रहा है। आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए यहाँ पे और देखिए कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एम ए फाइंड आउट करना है, ठीक है, एम ए फाइंड आउट करना है। तो ये जो वैल्यू मिलेगी, जो लेंथ मिलेगी, वो लेंथ यहाँ पे रखोगे इज इक्वल टू 0.10 एम ए हमारे पास है, ठीक है, 0.10 एम ए। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो हमें मिली, आपको स्केल में कन्वर्ट कर देना है केजी इंटू मीटर में, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे ये वैल्यू भी हमारे पास है आर ए, तो हमें यहाँ पे एम ए मिल जाएगा। तो एम ए जो मिलेगा वो मैं आपको बता दूँ 10.50 केजी अराउंड मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये एग्जाम्पल में मास ए एंड यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4 यानी कि थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी एंड थीटा डी हमने फाइंड आउट किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये एग्जांपल में कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में बताइए, और अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।